हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। मैक्सिकन लीग का एक ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है टाइग्रेस वर्सेस एटलेटिको डी सैन के बीच 7:40 पे। एंड बात करें, दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो टाइग्रेस एंड एटलेटिको डी सैन में वी हैव टू फेवर टाइग्रेस। टाइग्रेस के इस मैच में विनिंग चांसेस 75% है और बचे कुछ 25% ASL के हैं। बट ASL टीम में 3-4 प्लेयर बहुत अच्छी फॉर्म में, जिसमें से 2 मिडफील्डर, 1 स्ट्राइकर और 1 डिफेंडर है। और टाइग्रेस की बात करूँ तो ये टीम तो यार अच्छा कर ही रही है और हर सीज़न अच्छा कर रही है। मतलब जितने भी मैच इन हिस्ट्री, जितने भी मैच हुए हैं पहले बिफोर, तो उसमें टाइग्रेस टीम ने हर बार इन्हें मात दी है भाई, वो भी एक छोटे मार्जिन से दे पाई है, लेकिन फिर भी हार तो हार होती है। सो मैं दोनों टीम की रिस्पेक्ट करूँगा। तो आगे चलते हैं। तो बात करें अगर स्ट्राइकर की, तो स्ट्राइकिंग सेक्शन में एपी गिगनेक सबसे पहले मैं आपको लेने की राय दूंगा। कई लोग सोच रहे होंगे कि गिगनेक तो फ्लॉप था, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है नहीं। वो फ्लॉप ज़रूर रहा है, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन वो ऐसा खिलाड़ी है नहीं। वो बहुत अच्छा खेलना जानता है, जितना हमारी सोच से भी अच्छा। तो मैं गिगनेक को इसलिए लेता हूँ क्योंकि पेनल्टी टेकर भी है, दूसरा रीज़न ये भी है। उसके बाद इबनेस की बात करें, देखिए भाई, इबनेस अगर खेलेगा फिर लेना ज़रूरी है, लेकिन ये लोग ना इबनेस की जगह लेंस को भेज रहे हैं, जबकि लेंस एक पैसे का खिलाड़ी नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरे को लेंस एक पैसे का पसंद नहीं है। अगर ये बंदा खेलता भी है तो शायद मैं इसकी तरफ देखूंगा भी नहीं कि ये है भी। मैं इसको लेने की राय आपको नहीं दूंगा। मैं देखो गलत राय नहीं देता ना, मैं इस ये कहने में बिल्कुल घबरा रहा हूँ कि इसको मत लो। कई लोग तो ये बोलेंगे आपको कि आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं आपकी मर्ज़ी पे नहीं छोड़ रहा, मैं आपको क्लियर मना कर रहा हूँ मत लेना इसे। आप लोग इवनएस पे ध्यान दो, इवनएस नहीं खेलेगा तो लेंस को मत लेना। उसके बाद अपोजिशन टीम में देखिए भाई, इनका बोनेटिनी तो मेन है, और बोनेटिनी आ गया तो बॉली को क्यों खिलाएंगे ये लोग, बहुत सोचने समझने वाली बात है। और अगर खिलाएंगे भी तो वी फरेरा को, और वी फरेरा ने 31 अगस्त को एक गोल क्या कर दिया, आप लोग उसके दीवाने हो गए, बट वो ऐसा खेलता ही नहीं। विटिनो फरेरा इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, बहुत एवरेज भाई, ये शुरू से स्ट्राइकर तो था ही नहीं, इसको मिडफील्डिंग में लाया गया था तो अब स्ट्राइकर बना दिया। लेकिन बोनेटिनी तो शुरू से स्ट्राइकर है, शुरू से पेनल्टी टेकर है, एफ बॉली से बेटर खेलता है, तो मैं इसके साथ जाऊँगा। मिडफील्डिंग की बात करें, गॉरिडन ने हाल ही में एक गोल किया था, बट वो गोल शायद अभी शायद मैच में ऐड नहीं हुआ, शायद वो मैच ही नहीं ऐड हुआ होगा। तो ब्रुनेटा आपने लेना है, ठीक है, मतलब ठीक है, उसने एक गोल कर दिया, आई रिस्पेक्ट, लेकिन फिर भी जो दम ब्रुनेटा में है वो इनमें नहीं है भाई, ये तो बाकी तो लाइक बच्चे हैं। उसके बाद कॉर्डोवा की बात करें, तो कॉर्डोवा इज़ गुड, कॉर्डोवा तो पक्का। अगर कॉर्डोवा नहीं खेला तो चुपचाप डिफेंडर ले लेना, लेकिन मिडफील्डर लेने की, कोई अन्य मिडफील्डर लेने की गलती मत करना। उसके बाद अपोजिशन टीम, मैं कह रहा था उनके 3-4 प्लेयर बड़े अच्छे हैं, आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था। तो जिसमें से पहला प्लेयर तो मेरे भाई बोनेटिनी आपने ले लिया, दूसरा है बॉली जिसको हम ले नहीं सकते, ठीक है, तीसरा प्लेयर आ जाता है सेलेस। ये इनका बहुत मेन और बहुत चलने वाला इन दिनों खिलाड़ी रहा है, मतलब कहाँ इसकी सिलेक्शन शुरू में 10-12 होती थी और आज 75% है, इसको कहते हैं प्रोग्रेस। उसके बाद इनका एक प्लेयर है एल रोनाल्डो नजीर, ठीक है, ये बंदा नया आया है और इसको मैंने 20 जुलाई से कंटिन्यू ट्राई किया है। मैंने 20 जुलाई को किया था तो लोग समझे ये फ्लॉप है, तो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई चला नहीं। फिर मैंने 29 अगस्त को किया, तब लोगों ने मेरे कहने पे लिया नहीं, लेकिन अगर उन्होंने छोड़ के भाई इतना बुरा हार गए, क्योंकि ये टॉप प्लेयर है। मैं आपको क्लियर कर दूं, नजेरा के बहुत गोल हैं, बहुत, आप रिकॉर्ड चेक कर लो अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो। और अगर बात करें डिफेंडिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर मैं लूँगा एक्यूनो को, ठीक है, एक्यूनो के बाद जे एंग्लू उरेते, ठीक है, जो मेरा मेन है। पिजारो पहले मिडफील्डिंग करता था लेकिन आज थर्ड डिफेंडिंग कर रहा है, तो फ्लॉप होने का मेगा चांस है यहाँ पे। पता नहीं किस बिहाफ पे इससे थर्ड डिफेंडिंग करवा रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, शायद 5 डिफेंडर ना खिलाने हो, वो तो इनका दिल्ली जानता है। तो अभी मैं ना रेयस की राय दूंगा आपको पिजारो की जगह। गोलकीपिंग की बात करें तो ए सैंचेस, सैंचेस ना खेला तो लोपेज, ठीक है। बाकी बात करें कप्तान की, माय कैप्टन वाज एपी गिगनेक, और मेरा जो वाइस कप्तान है वो मेरे भाई अभी के लिए मैंने रखा है कॉर्डोवा। अगर नहीं खेलता तो बहुत ऑप्शन है, आप ब्रुनेटा को भी रख सकते हैं, अभी आप इवनेस को भी रख सकते हैं, क्योंकि ये चारों प्लेयर इन फॉर्म, एक ज़बरदस्त डेंजरस गेम प्लेयर है, ठीक है। तो ये चारों को ज़रा नज़र में रखना, गलती मत करना, ना होने देना अपने आप से गलती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।